मिष्ठान भंडार ऑल्सो नोन एज LMB. आप देख सकते हैं कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट सामने खड़े हैं एंड काफ़ी फेमस जगह ये. आइए रोड क्रॉस करते हैं, शेफ हमारी वेट कर रहे हैं और यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाएंगे हम लोग. प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये. तो शेफ हम लोग अब यहाँ पे जा रहे हैं लक्ष्मी LMB. अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार. ये काफ़ी साल पुराना एक बहुत ही बढ़िया मिठाई की दुकान बोल सकते हो आप. यहाँ की वेजिटेरियन खाना जो बनता है, शुद्ध शाकाहारी खाना जो है, बहुत ही अच्छा है. दाल बाटी चूरमा, द्राक्ष मेथी दाने की सब्जी, अलग अलग वैरायटी की बाटीज है अंदर. ठीक है, यहाँ का पनीर घेवर बहुत फेमस है. तो चलो देखते हैं आज क्या है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का स्पेशल हमारे लिए. ठीक है, और भी बड़ा है देखो आज कचौरी से लेके. यू कैन टेक अ शॉट. तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगी. राज कचौड़ी है, देन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नमकीन है, नया तो देसी घी में बने हुए सारे. देखते कितनी सारी वैरायटी है मिठाई की और ये वर्ल्ड फेमस पनीर का घेवर है. Lots of start. ये है दूध की फिन्नी. ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही फेमस मिठाई की डिश है. ये बेसिकली सेवई जैसा रहता है, इसको घी में पकाया जाता है और इसको गर्म दूध मीठास डाल के उसके साथ अंदर उसको डुबो के उसके अंदर खाया जाता है. और इसकी खासियत ये है कि ये आपको ठंड में बहुत ज़्यादा मिलेगा. जयपुर की ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर, तो उस ठंड के वक्त ये गर्म दूध में डाल के खाने का उसका मज़ा ही कुछ अलग. तो हमारे यहाँ पे शब ये ईद पे काफ़ी मिलती है और करवा चौथ के वक्त दिल्ली में फेमस होते हैं ये. तो आपको चलते हैं रेस्टोरेंट में उनके. ये इनका रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे. तो आप कौन बता सकते हैं हमें कि क्या क्या है इसमें? नमस्कार जी, यहाँ पे भट्टाचार्य जी जो हमें बताएंगे कि LMB की स्पेशल थाली के बारे में. और हमने तो पहले भी खाया हुआ है यहाँ पे, मगर आप बताओ कि आपकी थाली इतनी फेमस क्यों है जयपुर? सर ये जो है हमारा राजस्थानी खाना है सर, पूरा राजस्थानी फूड इसके अंदर थाली के अंदर आती है. इसमें दाल बाटी चूरमा कड़ी कट्टी की सब्जी तेज सांगरी दाना मेथी पुलाव पापड़ सलाद अचार रायता सब कुछ आएगा. तो इसे ये है हमारी बाटी और ये जो है वो आलू और मसाले से बनाई हुई बाटी है. इसमें ड्राई फ्रूट भी होगा, मतलब इसके अंदर सूखे मेवे भी डाले हैं, इसके अंदर आलू भी है, इसके अंदर मसाले भी है. मतलब ये अलग ही एक अलग तरह की बाटी है जो एक अलग वेरिएशन दिया है. और ये प्लेन बाटी है सर जी. इसको पूरा घी में फ्राई करते हैं आप? फ्राई करते हैं, पूरे घी में फ्राई होते हैं. देसी घी जो राजस्थान का बहुत फेमस है उसके अंदर फ्राई करते हैं. आप देख सकते हैं कि घी कैसे इससे नीचे गिर रहा है इनके इसके अंदर से. और ये जो है ये वाली है प्लेन बाटी. हाँ, अब हम लेंगे इसका मज़ा. ठीक है, और ये चूरमा के बारे में बताइए आप. चूरमा के बारे में, एक बेसन की चूरमा, गुलाब की चूरमा है सर, बेसन की चूरमा और बाजरे की चूरमा. बहुत खूब. तो शुरू करते हैं हम लोग. अभी हम शुरू करेंगे, हम खाना चालू करेंगे इसको और फिर बाद में आपको बताते हैं कैसा लग रहा है हमको. ऐसा ठीक है सर, बाकी को थोड़ा हटाइए सर और बाकी को मैश इसके साथ चूरमे. नहीं नहीं नहीं, अलग से मैश करिए इसको, एकदम मैच कर देंगे. उसमें आप दाल डालिए सर, ये दाल है दोनों बाटी में मैच. नहीं, एक एक कर देंगे.
इसमें थोड़ी दाल डालनी पड़ती है, ये वाली दाल है, थोड़ी सी ऐसी दाल डाली यहाँ पे, थोड़ा सा चूरमा इसमें मिलाएंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे बाजरे का चूरमा ऐसे करके डाल दिया। अभी इसको मिलाना पड़ेगा बेसन का भी, थोड़ा सा चूरमा, थोड़ा सा बेसन का डाल दिया, थोड़ा सा गुलाब का डाल दिया, तीनों को मिक्स करिए सर। अभी तीनों को मिक्स करके ये हो गया दाल बाटी चूरमा, ये हो गया दाल बाटी चूरमा। आप खाएंगे बढ़िया सा दाल बाटी चूरमा, मजा आ गया। मिस्सी रोटी के साथ साथ के साथ राइस के साथ कड़ी कॉम्बिनेशन। तो कैसे टेस्ट आ रहा है शेफ इसका? बाटी बिल्कुल ही करारी क्रिस्पी बनाई गई है, देसी घी का जो फ्लेवर है इसके अंदर, स्टफिंग की जो नजाकत है अंदर, और जो अंदर मसालों का टेस्ट आ रहा है स्टफिंग के अंदर, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। दाल एकदम परफेक्ट है, चूरमा को जो कूटा गया है, बाजरे का चूरमा, बेसन का चूरमा और गुलाब का चूरमा, इसको जो कूटा गया है बहुत ही परफेक्ट कूटा गया है, मुँह में लग भी नहीं रहा है, हल्की सी मिठास है उसके अंदर। तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दाल बाटी चूरमा का, बहुत ही बढ़िया, 10 out of 10 वाट दाल बाटी चूरमा के लिए। ये जो अभी लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में हम खा रहे हैं, इसको कहते हैं पनीर घेवर। जैसे सबको पता है कि घेवर राजस्थान का बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराने ज़माने से, ये बहुत ही राजा महाराजा के ज़माने से ये स्वीट डिश बनाया जा रहा है, जहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसन का जो बैटर बनता है, ये जो बेसन का बैटर बनता है, वो बेसन की बैटर को उसके अंदर फ्लेवरिंग्स डाले जाते हैं, उसके अंदर स्पाइसेस डाले जाते हैं, जो मीठे स्पाइसेस रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, सौंफ हो गई या कुटी हुई सौंफ हो गई, कुटा हुआ दालचीनी हो गई, थोड़ी डाल के इसके अंदर इसको बैटर बनाया जाता है और इसको घी के अंदर उसको फ्राई किया जाता है। तो वो घी का टेम्परेचर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है घेवर बनाने के लिए, और बैटर की कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो घेवर को बनाता है। जब दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी तब जाके ये कंसिस्टेंसी से ये जाली जाली वाला घेवर निकलता है। तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी है पनीर घेवर की, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें बेसन का इस्तेमाल तो किया गया है, मगर इसके अंदर हमारा फ्रेश दूध से जो पनीर बनता है, ठीक है, वो फ्रेश पनीर ये बैटर के अंदर ऐड किया जाता है, और उसका वो बैटर का जो कंसिस्टेंसी रहता है वो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल घेवर का जो बैटर रहता है उसकी कंसिस्टेंसी से ही रहता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा रिच है, इसके अंदर पनीर है, और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है पूरे जयपुर की। जो जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो जो यहाँ बाहर से घूमने के लिए आते हैं, फॉरेन से भी जो यहाँ पे आते हैं, वो ये पनीर घेवर ज़रूर अपने साथ लेके जाता है। तो ये स्पेशलिटी अभी हम ट्राई करेंगे, पनीर घेवर। पनीर घेवर आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से इसके अंदर जालियां हुई है, ये देखो, मतलब ऐसे लग रहा है कि एक कोरल आइलैंड है मेरे हाथ के अंदर, बहुत ही बढ़िया। ये कुछ सिमिलाइज करता है मधुमक्खी के छत्ते से भी। LMB पे खाना खा लिया, एंड फूड वाज रियली गुड, स्पेशली द दाल बाटी, द वेजिटेरियन वर्जन वाज रियली नाइस। तो शेफ, हमने LMB पे खाना खा लिया है, इट वाज वेरी नाइस, एंड मुझे दाल बाटी बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी दाल बाटी बहुत अच्छी लगी, इनकी जो स्पेशल केर सांगरी की जो सब्जी थी वो काफ़ी अच्छी, वो बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा सब्जी। जो आपका जो लाल मिर्च जो कहाँ से जो वो करते कौन सी जगह से आती है पर्टिकुलर? मथानिया चिली बहुत अच्छी थी, और मुझे उनका वो कलाकंद अच्छा लगा बहुत सारा, क्योंकि गट्टे की सब्जी भी बहुत अच्छी थी, और थोड़ी सी थोड़ा गट्टा टाइट था, मगर मेरे हिसाब से गट्टे की सब्जी की टेस्ट अच्छी थी, कड़ी भी अच्छी थी, ओवरऑल बहुत ही अच्छा खाना। ठीक है, अभी हम चलेंगे संतोष भोजनालय, वहाँ पे आप संतोष भोजनालय जाके हम लोग रोस्टेड बाटी खाएंगे। रोस्टेड बाटी देखिए ऐसे बनती है, तो थोड़ा बहुत टाइट वर्जन है या फिर आम लोगों का खाना, बिकॉज देसी की हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता।